मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 4 इज रिवॉर्ड फॉर हॉनेस्टी। तो रिवॉर्ड फॉर हॉनेस्टी का मतलब, यहाँ रिवॉर्ड का मतलब होता है कुछ इनाम मिलना फॉर हॉनेस्टी। हॉनेस्टी का मतलब बिल्कुल सच रहने के लिए, बिल्कुल सच बोलने के लिए कुछ इनाम मिलना, रिवॉर्ड फॉर हॉनेस्टी। सो ये एक स्टोरी है जिसमें एक ओल्ड वुमन रहती है और एक मर्चेंट रहता है, मर्चेंट जो सामान खरीदता है और बेचता है। तो एक बार क्या होता है, एक मर्चेंट का एक पाउच गुम हो जाता है जिसमें कॉइन्स होते हैं, जिसमें उसका पैसा रहता है, उसमें होते हैं 100 कॉइन्स। तो वो पाउच मिलता है किसको, एक ओल्ड वुमन को मिलता है। तो वो वुमेन उसमें देख लेती कि इसमें 100 कॉइन्स हैं, पर वो बहुत ही हॉनेस्ट रहती हैं, वो बिल्कुल सच्ची रहती हैं, ट्रूथफुल रहती हैं, इसीलिए वो उसको चोरी भी नहीं करती हैं। और उनको आवाज़ आती है कि कोई इस पाउच को ढूंढ रहा है, मतलब उस मर्चेंट की आवाज़ आती है कि वो इस पाउच को ढूंढ रहा है। तो वो खुद ही जाकर उसको बोलती है कि आप, मेरे पास ये पाउच है तुम्हारा, मुझे मिला था। तो जो मर्चेंट रहता है वो बोलता है कि मेरे, और मर्चेंट जब चिल्लाता है कि ये पाउच मेरा, किसी को पाउच मिला है, जिसको मेरा पाउच मिलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा। तो ओल्ड वुमेन उसके पास जाकर बोलती है कि ये तुम्हारा पाउच मुझे मिला था जिसमें 100 कॉइन्स है, अब तुम मुझे मेरा इनाम दो, मैंने तुम्हें ला कर दे दिया। तो वो जो मर्चेंट रहता है वो ओल्ड वुमेन से झूठ बोलता है, वो ये बोलता है कि मेरे जो पाउच है उसमें 200 कॉइन्स थे, तो इसमें सिर्फ अभी 100 कॉइन्स है, मतलब 100 कॉइन्स तुमने चोरी कर लिए, तो मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम नहीं दूंगा बिकॉज तुमने मेरे 100 कॉइन चोरी कर लिए। तो ओल्ड वुमेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, इसमें 100 कॉइन्स ही थे, इसमें 200 नहीं थे, मैं अपनी सच्चाई की बात रखने के लिए मैं क्वीन के पास जाऊंगी पैलेस में। तो वो दोनों के दोनों पैलेस में क्वीन के पास जाते हैं। तो वो अपनी, दोनों अपनी बात बताते हैं, मर्चेंट बताता है कि मेरे पाउच में 200 कॉइन्स थे, और ओल्ड वुमेन बताती है कि जब मुझे वो पाउच मिला तो उसमें 100 कॉइन्स थे। तो जो क्वीन रहती है वो दोनों की बात समझती है, और वो क्वीन ये कहती है मर्चेंट को कि तुम्हारे पाउच में 200 कॉइन्स थे, पर इस पाउच में 100 कॉइन्स है, तो ये पाउच तुम्हारा नहीं है, तो ये पाउच तुम्हारा हुआ ही नहीं क्योंकि इसमें तो 100 कॉइन्स है। तो वो पाउच क्वीन किसको दे देती है, ओल्ड वुमेन को दे देती है, और मर्चेंट समझ जाते हैं कि मेरे लालच की वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो समझ जाते हैं कि मुझे पनिशमेंट मिली है मेरे झूठ बोलने की और मेरे लालच करने की, मतलब ग्रीडीपन दिखाने के कारण मुझे मेरी पनिशमेंट मिली और मुझे कुछ भी नहीं मिला। सो इस स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले वर्ड मीनिंग्स जो स्टोरी में हैं, तो फर्स्ट हमारा वर्ड है पाउच। तो पाउच का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग। सेकंड वर्ड इज हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का मतलब मैंने अभी बताया, मतलब बिल्कुल ट्रूथफुल होना, वन हु ऑलवेज टेल्स ट्रूथ, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा सच बोलता हो। थर्ड वर्ड इज ग्रीडीली। ग्रीडीली का मतलब बहुत ही ज़्यादा जो लालची रहता है, वॉन्टिंग मोर, जो सोचता है कि मुझे और ज़्यादा मिलता रहे। फोर्थ वर्ड इज स्टोलन। स्टोलन का मतलब होता है टेकन समथिंग विदाउट आस्किंग, किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ उठा लेना, उसको इन अदर वर्ड हम हिंदी में उसको चोरी करना ही बोलते हैं। डिसहॉनेस्ट। डिसहॉनेस्ट का मतलब ये होता है नॉट ट्रूथफुल, जो झूठ कहता है, जो बिल्कुल सच नहीं बोलता है, उसे हम बोलते हैं डिसहॉनेस्ट। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिए हैं आज 5 वर्ड मीनिंग्स। सो दीज 5 वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, और हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे चैप्टर को और अच्छे से वाइल रीडिंग इट। एंड दिस वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू लर्न and write in your English copy.